Nice song. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं ना कल तुम लोग के डीएम्स चेक कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे हर कोई बस यही पूछ रहा है कि भाई नया वीडियो कब आ रहा है, नया वीडियो कब अपलोड कर रहे हो। मतलब यार इंस्टाग्राम पे मेरे को एक बात बताओ, अच्छी अच्छी बातें भी तो हो सकती है कि भाई तू कैसा है, तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, आजकल क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, सबको बस नए वीडियो के बारे में जानना है। तो इस वीडियो के बाद सीधे इंस्टाग्राम पे आना और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से इस वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए तुम लोग वीडियो एंजॉय करो। बाय। क्या घोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सब असलियत में होते हैं, या ये सब ऐसे ही बने बनाए शब्द हैं? डू रियल घोस्ट्स एग्जिस्ट? किसी भी इंसान के पास इन सारे सवालों का एक एक्यूरेट आंसर नहीं है। ये कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हैं जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस सवाल के एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच सके, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम किसी भी तरह के बनी बनाई कहानियों पर भरोसा ना करें, बल्कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च और फैक्ट्स के बेसिस पे। और हाँ, मैं जो भी पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मेंशन करूंगा उसके पीछे तुम्हें कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर मिलेगा। मैं एक भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं करूंगा जो इलॉजिकल हो किसी भी तरीके से। सो लेट्स बिगिन। साइंस, जो कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल एंटिटी मानी जाती है, वो सोल, स्पिरिट, घोस्ट इन सब चीज़ों में नहीं मानता। साइंस हमेशा से ये कहता आया है कि ये सारी चीज़ें जो कि घोस्ट, स्पिरिट्स हैं, ये सब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और इसीलिए जो लोग साइंस को फॉलो करते हैं वो लोग भी ये मानने लगे हैं कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती और ये भूत प्रेत की कहानियाँ बेकार की बातें होती हैं। लेकिन वॉट इफ आई टेल यू कि ये सारे लोग गलत हैं एंड साइंस गलत है? ओके, तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेजी बातें कर रहा हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इस दुनिया में एक ऐसा टाइम था जब इंसानों को ये नहीं पता था कि अर्थ के अलावा और कोई प्लैनेट भी है। इंसानों को बस यही लगता था कि बस एक अर्थ ही है जहाँ पे वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, और उसके चारों तरफ और क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब स्पेस साइंस डेवलप करने लगी। फिर साइंटिस्ट्स को ऐसा पता चला कि अर्थ के सराउंडिंग में और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब होता है कि जिस समय हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था तब ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी? नो, तब भी ये प्लैनेट्स, ये गैलेक्सी, ये यूनिवर्स सब कुछ एग्जिस्ट करता था, लेकिन साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था कि वो इन सब के बारे में पता लगा सके। तो सिमिलरली इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि जो घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स हैं वो सब चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करते हों और साइंस को उनके बारे में इसीलिए नहीं पता, बिकॉज साइंस इज नॉट येट एडवांस्ड इनफ इन दिस फील्ड। जहाँ एक तरफ साइंस का ये मानना है कि स्पिरिट्स एंड घोस्ट ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी ये क्लेम करता है कि भूत, प्रेत, सोल, स्पिरिट ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो भूत होते हैं नहीं होते बातों की बात है? नहीं, वाकई में होते हैं ये। अच्छा, कौन बनते हैं भूत? शास्त्रों के अनुसार बताया गया है दोज़ हू कमिट सुसाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 साल एज पर कर्मा मुझे इस शरीर में बिताने चाहिए थे। 35 की एज में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच किया, मैं पागल हो गया, मैंने ब्लेड से अपना हाथ फूत काट लिए, हार्ट पिप की लिया, मर गया मैं। तो मेरे बाकी 15 साल जो मेरे बफर बचे हुए हैं अभी, वो मुझे भूत की योनी में बिताने पड़ेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड, और प्यास बुझाने के लिए क्या करेंगे, फिर किसी का शरीर का इस्तेमाल करेंगे। दोज़ हू आर इमोशनली वीक, स्पिरिचुअली वीक, दे ट्राई टू कैप्टिवेट सच पर्सन। सो इसमें भूत में चार तरह के होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैमेज दे कैन डू। भूत लीस्ट हार्मफुल, उससे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्रेत, फिर पिशाच,
ब्रह्म राक्षस यार मोस्ट डेंजरस, वो तो मतलब खा लेते हैं उन दिनों। तो अभी हमने दो कॉन्ट्राडिक्टिंग केसेस को देखा, जहाँ एक तरफ साइंस ये मानने को तैयार नहीं था कि घोस्ट एंड स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी ये कहता है, खुद ये क्लेम करता है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में अपने कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए हम इन दोनों में से किसी का भी सहारा नहीं लेंगे, बल्कि हम मदद लेंगे हिस्ट्री एंड पास्ट इवेंट्स की। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि हमें उन चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे सामने हो रही है, और हिस्ट्री यानी कि जो बीत चुका है, और पास्ट के इवेंट्स, वो सारे इवेंट्स, इंसिडेंट्स और वो सारी घटनाएं जो कभी ना कभी एक बार हो चुकी हैं, यही सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार किसी ना किसी इंसान ने अपने सामने एक्सपीरियंस किया होगा। हिस्ट्री में कई बार ऐसे बहुत से सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल घटनाएं भी घट चुकी हैं, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पास्ट के इवेंट्स और इन्हीं हिस्ट्री के मदद से अपने कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस सवाल के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें आज के डेट पे इन सारे पास्ट के इवेंट्स और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमारे पास ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, हमारे पास कुछ ही गिने चुने रास्ते हैं। बट एक ऐसा चीज़ है जो हमें पास्ट के इवेंट के बारे में आज के डेट पे बताएगा भी और जो झूठ भी नहीं बोलेगा, और ये चीज़ है एक कैमरा। कैमरा हमेशा वही कैप्चर करता है जो उसके सामने होता है। एक कैमरा में रिकॉर्डेड फुटेजेस या क्लिप्स ही आज के डेट पे सबसे बड़े प्रूफ हैं कि हिस्ट्री में कोई भी इवेंट हुआ है या नहीं। पास्ट के टाइम में कैमरा में कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें भी कैप्चर हो गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आगे कुछ ऐसे ही कैमरा फुटेजेस और वीडियो क्लिप्स को देखेंगे जिनमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या कोई घोस्टली अनएक्सप्लेनेबल फिगर कैप्चर हुआ है, और इन सब चीज़ों को देखने के बाद इनसे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता कि ऐसे कुछ इवेंट्स भी हुए हैं और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जब मैं इंटरनेट पे इस टाइप के क्लिप्स को ढूंढ रहा था तो मुझे ऐसे हजारों क्लिप्स मिल गए थे जो रियल घोस्ट क्लिप्स हों और जिनमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो, लेकिन उन सब क्लिप्स में एक प्रॉब्लम थी, वो सारे क्लिप्स फेक थे। सर विशाल भाई, यहाँ का पूरा रोड ऐसे ही रहता है, डैमेज डैमेज सा। हाँ जी हाँ जी, इसलिए आराम आराम से चलानी। यार ये क्या है विशाल भाई, ये क्या, ये क्या है? अरे अरे यार, ये विशाल भाई बैक करो यार, मतलब क्या यार, ये क्या क्या है? नहीं 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 यार विशाल भाई, बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो, क्या यार ये विशाल भाई, बैक करो, मुझे डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। इंटरनेट पे इस टाइप के फेक वीडियोस का पूरा मार्केट फैला हुआ है, हर कोई बस व्यूज के लिए और पैसों के लिए इस टाइप के फेक घोस्ट वीडियोस बना के अपलोड कर देता है, और इसीलिए ऐसे क्लिप्स मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो। फिर मैंने और थोड़ा सा टाइम लिया और थोड़ा और डीपली ढूंढने लगा इंटरनेट पे फॉर सम रियलिस्टिक क्लिप्स, और फिर मुझे कुछ ऐसे क्लिप्स मिले जिन पे थोड़ा बहुत बिलीव किया जा सकता है। आई नो कि जो भी चीज़ें इन क्लिप्स में हो रही हैं वो थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल लगती है और काफ़ी अजीब भी लगती हैं, लेकिन हम इन क्लिप्स पे 100% एक्यूरेटली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लिप्स बाद में एडिट करके, मैनिपुलेट करके या फिर बिहाइंड द कैमरास कुछ एक्टिविटीज़ करके क्रिएट करी जा सकती हैं जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा रियल होंगी बट एक्चुअल में फेक क्लिप्स होती हैं। लेट मी टेल यू दिस कि जब मैं इन सारे वीडियोज़ को ढूंढ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया, क्योंकि इतने बड़े समंदर में फेक वीडियोज़ के रियलिस्टिक वीडियोज़ को ढूंढ पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और तब मैं समझ गया था कि मुझे ऐसे रियलिस्टिक क्लिप्स को ढूंढने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। और जब बात रियल हॉरर क्लिप्स के लिए मदद मांगने की आई तो मेरे दिमाग में बस एक ही बंदे का नाम आ रहा था जो इन सब कामों में एक्सपर्ट था, एंड दैट्स वाई फॉर मोर रियलिस्टिक हॉरर क्लिप्स मैंने मदद मांगने के लिए कॉल लगाया स्कैरी पिल्स को। हेलो एवरीवन, तो अभी मेरे साथ कॉल पे हैं अभिनव, AKA स्कैरी पिल्स। तो हाय अभिनव, वेलकम टू दिस चैनल, और सबको हाय बोल दे भाई, तू भी थोड़ा। हेलो सबको, आई होप हॉरर नाइट सिंधी फैम मस्त होगी एकदम। स्कैरी पिल्स, ए यूट्यूबर विद ओवर 150K सब्सक्राइबर्स, जो अपने चैनल पे इसी टाइप के हॉरर क्लिप्स और रियल घोस्ट वीडियोस के बारे में बात करता है और उनका ब्रेक डाउन करता है। उसके पास लिटरली ऐसे हजारों क्लिप्स पड़े हुए हैं, और मुझे पता था कि यही एक ऐसा बंदा है जो मुझे कुछ ऐसे क्लिप्स प्रोवाइड कर सकता है जिनको देख के देखने वाले के मन में कोई डाउट ना आए, कोई सवाल ना आए, बल्कि स्ट्रेट अप ये प्रूव हो जाए कि हाँ उस वीडियो में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही हो रही है।
अच्छा अभिनव, हमने तो क्लिप्स के बारे में मैंने पहले अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रखा है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता था कि तेरा इन सब चीज़ों पे आखिर क्या बिलीव है, ये घोस्ट स्पिरिट्स और इन सब के एग्जिस्टेंस पे तेरा क्या कहना है? यार पर्सनली बताऊँ तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ इनमें, और ये मैं इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि ये रूमर्स हैं या फिर ये टीवी सीरीज़ पे पहले ये आहट वगैरह या फियर फाइल्स देख के मैं ये सब देख के बिलीव नहीं करता। मैं इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ जब हम छोटे होते थे 6-7 साल के होंगे अराउंड, तो एक हो चुकी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और अगर तुम चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि वो क्या एक्टिविटी थी जिससे। हाँ अरे भाई बिल्कुल, वही तो जानने के लिए हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल भाई, अरे हुआ क्या था एक्चुअली, अराउंड 6-7 ईयर्स के होंगे, मैं और मेरा दोस्त ऐसा था कि जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि साथ साथ सबके घर होते हैं, है ना, तो मेरा जो पुराना इलाका था उसमें भी ऐसे ही था, सबके साथ साथ घर थे, तो वो मेरा पड़ोसी था और बहुत अच्छा दोस्त था। तो रात के अराउंड 9 या 10 का समय था, है ना, तो उसमें हुआ क्या, हम पार्क में चले गए और पार्क में कोई भी नहीं है, काफ़ी बड़ा पार्क था और घर के बिल्कुल सामने ही था, जस्ट सामने घर फिर रोड फिर पार्क ऐसे था। तो उस पार्क में हम चले गए और पूरा पार्क में कोई भी नहीं था, उस पार्क में हम बैठे, हम पहले तो स्विंग ले रहे थे, ठीक है, आराम से बैठे बातें करते करते स्विंग ले रहे थे, स्कूल की बातें चल रही थी कि क्या चल रहा क्या नहीं। फिर इतने में ही हुआ क्या, उस पार्क में ना झूले वाले सेक्शन में ही एक ऐसा झूला था जो मतलब उस काफ़ी बड़ा सारा होता है जिस पर लटकते हैं और फिर उनको गोल गोल घुमाते हैं, तो वो झूला ना ख़राब हुआ पड़ा था, और उसको मतलब अगर कोई बड़ा सारा कोई बच्चा है ना, कोई बड़ा लड़का है, वो भी फुल फोर्स लगाकर वो ही घुमा सकता था, और वो भी उसमें इतना जंग लग गया था ना कि वो भी पूरा फोर्स लगाने के 1 सेकंड या 2 सेकंड में वो रुक जा रहा था, है ना। तो हुआ क्या, अचानक से एक ब्रीज आई जो हम दोनों को महसूस हुई जब हम स्विंग ले रहे थे, और वो झूला फुल स्पीड से घूमने लगा, आज भी अच्छे से याद है हमें, फुल स्पीड से घूमने लगा, और मेरा दोस्त उसको देख के बहुत गंदे वाला रोने लगा। मेरे को तो समझ ही नहीं आया रोना है कि क्या करना है, मेरी तो फट जकी थी सही बताऊं तो, मेरा दोस्त रोने लगा, मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, भगते हैं ठीक है, उस टाइम पे वो दोस्त रोने लगा। मैंने फिर उसके घर गया, हम उस पार्क से जैसे ही निकले ना सड़क पे, तो हमने देखा वो झूला एकदम कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा तू रो क्यों रहा था, क्या हुआ? कहता मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिमाग में कोई किसी ऐसे बच्ची की साउंड आई जैसे वो रो रही हो बहुत तेज तेज और वो मेरा नाम लेके रो रही हो। मैंने कहा कि जो चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है उसका एक स्टेप ऊपर हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ। तो मतलब ये पूरा रियल एक्सपीरियंस है, पूरा रियल एक्सपीरियंस है 1 to Z। तो मैं अपना ये जो बना रहा हूँ हॉरर डॉक्यूमेंट्री टाइप का, तो इसमें मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने ना अपने ऑडियंस को बोल रखा है कि एक बंदा है स्कैरी पिल्स, मेरे को लगता है वही है जो मेरे को ऐसे क्लिप्स प्रोवाइड कर सकता है जिसको देख के तुम्हारा भी मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरे ऑडियंस का। तो मैंने बोल रखा है कि स्कैरी पिल्स ऐसे क्लिप्स लाने वाला है, तो आई होप कि तू आज लेके आया है ऐसे तगड़े क्लिप्स कुछ। डेफिनेटली भाई, बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा तुम रेडी हो? चल हाँ मैं तो रेडी हूँ, चल देख लें तो फिर क्लिप्स। बिल्कुल शुरू करते हैं। अबे अपने आप कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, अपने आप कैसे मूव हो रही हैं? यही तो मिस्ट्री है भाई। अबे लग भी नहीं रहा कि ये बिल्कुल भी एडिटेड है। वही यही चीज मैंने इसको लिटरली वीडियो को 5-6 बार देखा है समझने के लिए कि शायद कुछ पॉइंट निकले, बट मेरे तो कुछ भी नहीं फल्ले पड़ा भाई। ये क्लिप है थोड़ा सा, वैसे इसमें थोड़ा सा है वो फाउंडेशन जो मैं ढूंढ रहा था। मतलब देख लग रहा है कि कोई तो मतलब कोई पावर है, कोई फोर्स है जो ये सब कर रहा है, लेकिन एडिटिंग तो लग नहीं रहा ये। और पता नहीं भाई ये वाला था वैसे। अच्छा चल और एक दिखा मेरे को तू। बिल्कुल भाई।
अब भी जो मैं क्लिप दिखाऊंगा ना वो मतलब तुम देखो एक बार यार, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पूकी है और शायद तुम्हें भी क्रीपी लगेगा, तो एक बार प्ले करते हैं। अबे ये फिर से रिप्ले कर इसको। बिल्कुल भाई, ये लो। मतलब देख रहे हो एक, अबे यार ये कैसे हो रहा है, मतलब इतनी भारी बाइक कोई रस्सी से तो ऐसे खींच नहीं सकता, डेफिनेट सी बात है। अब कोई 10 साल का बच्चा के ये ना बोल दे कि हवा से हिल रहा है भाई। वही तो भाई, लेकिन यार इसके पीछे मैं कोई एडिटिंग, कोई बिहाइंड द कैमरा वर्क को सोच भी नहीं पा रहा हूँ इसके पीछे, तो ये बहुत रियल है यार ये वाली। तो जब हम हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो हिस्ट्री में या फिर पास्ट में ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो आज भी बहुत लोग मानते हैं, चाहे वो इंडिया की स्त्री की कहानी हो, चाहे वो जापान के कोचिसा की ओना की कहानी हो, चाहे वो लॉस एंजलिस के लाल अरोना की कहानी हो, या फिर वो अमेरिका के एनेबिल की कहानी। ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिन पे आज भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और ऐसे घोस्ट स्टोरीज पे मानते हैं। लेकिन ऐसे ही एक और स्टोरी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के सबसे डरावने एक्सोसिज्म के स्टोरी की। The exorcism of Annelise Michael. एनेलीज माइकल जर्मनी में रहने वाली एक साधारण सी लड़की जिसका जन्म 1952 में हुआ था। वो हमारे और तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल लाइफ बिता रही थी। 16 साल की उम्र में एनेलीज का कहना था कि वो अपने चारों तरफ कुछ चीज़ों को देख सकती है और कुछ चीज़ों को सुन सकती है, विथ सी स्टेटेड एज डीमंस। इसके बाद से उसकी हरकतें भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी, उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो अपने उल्टे हाथों से पूरे घर में भागा करती थी, वो कीड़े मकोड़े खा जाती थी, खुद का पेशाब पी जाती थी और वो अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाती थी। जैसे ही एनेलीज की हालत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी, उनके फैमिली ने सबसे पहले डॉक्टर्स का हेल्प लिया। जब डॉक्टर्स ने एनेलीज को चेक किया तो वो ये पता ही नहीं लगा पाए कि आखिर एनेलीज में क्या प्रॉब्लम है। वो ये जान ही नहीं पा रहे थे कि आखिर एनेलीज के बॉडी में क्या दिक्कत है जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। कुछ दिनों बाद जब मेडिकल साइंस के हेल्प लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था तो उनके एक फैमिली डॉक्टर ने ये खुद सजेस्ट किया कि उन्हें ये मामला अभी चर्च तक लेना चाहिए। चर्च के फादर ने एनेलीज को ये देखते ही कह दिया कि ये केस पोजेशन का है और एनेलीज के शरीर में आत्माओं का निवास है। उसके बाद एक्सोसिज्म कराया गया। एक्सोसिज्म मतलब जो हम अपने इंडियन कल्चर में भूत प्रेत को भगाने के लिए झाड़ फूक कहते हैं, उसी को क्रिश्चियनिटी में एक्सोसिज्म कहते हैं। एनेलीज का एक्सोसिज्म कराते वक्त पता चला कि उसके शरीर में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6-6 आत्माओं का निवास है। चर्च के फादर्स ने अपनी पूरी कोशिश करी, 67 एक्सोसिज्म्स कराए गए, बट एनेलीज बच नहीं पाई और 23 की उम्र में एनेलीज की मौत हो गई। इन सारे इवेंट्स पे और इस सारे स्टोरी पे एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है, द एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज, जिसमें इस पूरे घटना को कवर किया गया है। आई नो कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा डार्क है, पर आगे जो भी हुआ वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा डरावना था। कुछ दिनों पहले मैं इसी केस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, इसी एक्सोसिज्म के स्टोरी के बारे में। मुझे लगा था कि मैं एक दो ऐसे वीडियोस देख लूँगा जिसमें एनेलीज की स्टोरी बताई गई होगी और मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँगा, लेकिन इंटरनेट पे उस दिन रिसर्च करते टाइम मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी इस केस से रिलेटेड जिसने लिटरली मेरी रातों की नींद उड़ा दी। हेलो एवरीवन, मैं ना अभी एनेलीज माइकल का एक एक्सोसिज्म का केस है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करते टाइम अभी मेरे को कुछ चीज़ें दिखी है इंटरनेट पे जो लिटरली अभी मेरे स्क्रीन पे हैं, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं ये तुम लोग को दिखा भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और इतनी ज़्यादा स्कैरी चीज़ें हैं ना, आई किड यू नॉट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हैं यार। मुझे नहीं पता मैं इसको अपने वीडियोज़ में डाल भी सकता हूँ कि नहीं, लेट्स सी। तो मैंने ना पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं इन सब चीज़ों को अपने वीडियोस में इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को अपने वीडियोस में इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था मेरे लिए, बट जस्ट बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें तुम्हें दिखानी होंगी इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को अपने वीडियोस में इंक्लूड कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले हियर इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग, एक्सट्रीम डार्क कंटेंट अहेड,
अगर तुम्हें किसी भी लेवल के डार्क या फिर डरावने कंटेंट से प्रॉब्लम है तो तुम इस पार्ट को यहीं पर स्किप कर सकते हो और else प्रोसीड विथ योर ओन विलिंगनेस। तो जब मैं उस दिन इंटरनेट पे एनलीज माइकल के एक्सोसिज्म के केस के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे इंटरनेट पे ओपनली एनलीज माइकल के एक्सोसिज्म के रियल फोटोज, रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और रियल वीडियो फुटेजेस मिले। आई रिपीट, ये सब कोई फेक या फिर रिक्रिएटेड क्लिप्स नहीं थे बल्कि एनलीज के एक्सोसिज्म के टाइम के रियल क्लिप्स एंड रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थे। एंड बिलीव मी, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनलीज माइकल्स एक्सोसिज्म। फादर रेंस, जिन्होंने कि एनलीज के एक्सोसिज्म को किया था, उन्होंने एक्सोसिज्म के पूरे प्रोसेस को टेप रिकॉर्ड किया था। एंड आई डोंट नो, समहाउ ये पूरा टेप रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर लीक हो गया था। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुना है। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. Ist so blöd geworden. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf Stimmen. एट लास्ट मुझे एनलीज के एक्सोसिज्म का एक वीडियो फुटेज भी मिला एंड दिस वॉज द स्कैरियस्ट ऑफ देम ऑल। बहुत ज्यादा डार्क कंटेंट दिखा दिया, अभी और कुछ नहीं दिखा सकता मैं। यूट्यूबर से रिलेटेड मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस सीरीज रह चुकी है जिसमें मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यूट्यूबर्स अपने रियल लाइफ में घोस्ट देखते हैं या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको अपने वीडियोस में शेयर करते हैं। इन वीडियोस में तुम अगर देखोगे तो बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स लाइक कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, बिया बाइसेप्स, मुंबई कर निखिल, मोस्टली सेन और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। शुक्र की आवाज है, मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना वो लिटरली यहाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। बात करो, आने के पहले ना एक वाइब्रेशन फील होती है कि कुछ कोई ऐसा आ रहा है। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो ऐसा कांप जाता हूँ, पर समझ ही नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ जो भी हुआ था वो था क्या। तुम खुद सोचो, ऐसे यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके ऑडियंस में बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई देखता है, जिनको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, वो लोग अपने ऑडियंस को ही क्यों मिसलीड करेंगे ऐसे फेक स्टोरी सुना के या फिर फेक वीडियोस बना के। उन्होंने अगर ऐसा वीडियो बनाया है तो वो किसी ना किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होगा ही जिसकी स्टोरीज वो शेयर करते हैं। एंड ऐसा बहुत कम चांस है कि यूट्यूबर्स लाइक कैरी मिनाटी एंड ट्रिगर्ड इंसान, जो इतने अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो इतने रेस्पेक्टेड यूट्यूबर्स हैं कम्युनिटी में, वो लोग ऐसे कोई फेक वीडियोस बनाएंगे जिनको इतने सारे लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक यूट्यूबर जिसके ऊपर इतने बड़े ऑडियंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो भी ऐसे वीडियोस शेयर करता है तो ये एक प्रूफ है कि ऐसी एक्टिविटीज सबके साथ होती हैं और वो बस एक हॉरर स्टोरी बन के रह जाती हैं। हमने इस वीडियो को शुरू किया था इस एम के साथ कि इस वीडियो के अंत तक हमें जो ये क्वेश्चन है, डू रियल घोस्ट्स एग्जिस्ट, इसका एक कंक्लूजन मिल सके। एंड हियर इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं तुम लोग के साथ तीन थियोरी शेयर करूंगा और ये तुम पे डिपेंडेड है कि तुम किस थियोरी पे बिलीव करोगे और किस थियोरी पे बिलीव नहीं करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। थियोरी नंबर वन, घोस्ट्स एग्जिस्ट इन दिस डिमेंशन। घोस्ट हमारे साथ इसी दुनिया में, इसी डिमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में इसलिए नहीं पता
क्योंकि वो खुद को हमारे सामने लाना नहीं चाहते, पर कभी कभार वो गलती से हमारे सामने या फिर जानबूझ के किसी रीज़न से हमारे सामने आ जाते हैं और वो बस एक हॉरर किस्सा या फिर घोस्ट स्टोरी बन के रह जाता है। थियरी नंबर 2, घोस्ट्स एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट डिमेंशन। घोस्ट हमारे सामने इसलिए नहीं है या फिर इस दुनिया में हमें इतने ज़्यादा नहीं दिखते क्योंकि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन कभी कभार हम घोस्ट को देख लेते हैं क्योंकि किसी रीज़न से जाने अनजाने वो इस दुनिया में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद जस्ट फॉर ए कोइंसिडेंस तभी वो लोग हमें दिख जाते हैं या फिर कैमरास में कैद हो जाते हैं। थियरी नंबर 3, ये थियरी भी पिछले दोनों थियरीज की तरह एक पॉसिबिलिटी है और ये थियरी भी ट्रू हो सकती है, एंड द थियरी इज घोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। देख लिया वीडियो, आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो जैसे कि पहले भी बोल रखा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, एंड हाँ अगर तुम्हारे कोई भी सवाल है या तुम्हारे कोई सजेशंस, यार एक सेकंड कॉल आ रहा है अभिनव का कॉलेज कैरिपल्स, एक सेकंड बात कर लेता हूँ। हाँ हेलो, हाँ अभिनव बोल। क्या यार, मैं अभी एक शूट कर रहा था यार, तूने कॉल कर दिया। अरे सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया क्या भाई? अरे नहीं डिस्टर्ब नहीं, मैं बस आउट्रो शूट कर रहा था। अच्छा चल एक काम करते हैं, अब तू आ ही गया ना तो मिलके शूट कर लेते, आउट्रो प्लगइन तू ही दे दे। देख मैंने तेरा वो फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है माइक के पास, तो बोल दे तू आउट्रो का थोड़ा। अरे बिल्कुल भाई, तो भाइयों अगर जो जो मेरे को सुन रहा है होरर नाइट हिंदी को जरूर यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए ना भाई, बहुत मेहनत कर रहा है अपनी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, अगर आप और भी देखना चाहते हो ना तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आपको और किसी चैनल पर देखने को भी नहीं मिलेंगी। कुछ नया ट्राई कर रहा है भाई अपना और बहुत मेहनत कर रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करना, और बाकी मेरी तरफ से लव यू ऑल। अरे भाई थैंक्स, एंड हाँ अगर तुम लोग को भी और भी इस टाइप के हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट है और घोस्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम लोग भी जाके स्कैरी पिल्स को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो ज़रूर उसके चैनल को भी चेकआउट करना। और भाई थैंक्स, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ हाँ, अरे यार सुन एक काम करता हूँ, मैं अभी थोड़ा अपना ये पैक कर लेता हूँ सब कुछ, सूट कंप्लीट करके फिर तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट।